ओह, मेरे पास बिल्कुल भी खाना नहीं है। मुझे तुरंत कुछ करने की जरूरत है। इसे कौन चिल्ला रहा है? मैं आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। ऐसा लगता है किसी को मेरी मदद की जरूरत है। मैं इस चीख को पहचानती हूँ। बेटी, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें इतना समय क्यों लगा? मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं एक चुनौती की शुरुआत करने का प्रस्ताव करती हूँ। मल्टीडू में आपका स्वागत है। हम कुछ आसान से शुरू करेंगे। मेरे लिए स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाओ। पैनकेक्स? मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पैनकेक्स बनाए हैं। मुझे उनकी रेसिपी पूरी तरह से याद है। सबसे पहले दूध के साथ आटा मिलाने की जरूरत है, फिर अंडे को मिक्सचर में तोड़ दे इस तरह से। जैक, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मेरी तरह करो। आपने यह सब कैसे किया? मैं एक बाउल ले लेता हूँ, वहाँ आटा डालना बाकी है। और यह अच्छा है। हाँ, आटे से निपटना इतना आसान नहीं है। इसके बाद अंडे का नंबर आता है, मुझे उनके साथ सावधान रहने की जरूरत है। और हमें दूध के बारे में नहीं भूलना चाहिए, दादी ने इसे इस तरह सिखाया है। वाह दादी, हाँ आपके पास एक परफेक्ट बैटर तैयार है। हाँ हाँ, पैनकेक जल्दी बन जाएंगे। अरे नहीं, मैंने क्या किया? दादी, ये सब आपकी गलती है। मेरा ध्यान आपकी वजह से हट गया था और गलती से मैंने अपना बैटर बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इसे मिलाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मिला कर देखता हूँ। अजीब है, ये बेवकूफ मिक्सर अटक गया है। चलो वहाँ से निकल जाओ। ओह, मैं मिक्सर नोजल को कैसे निकालूं? जाहिर है वे हमेशा के लिए मेरे बैटर में ही बस गए हैं। हाँ जैक, तुम ये घटिया कुक हो, तुम्हें सबसे स्वादिष्ट पैनकेक खुद पकाने होंगे। वैसे भी मेरा कोई प्रतियोगी नहीं है। देखो ये कितने अच्छे से बन रहा है। बस इस सुंदरता को देखो, ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बेशक इन पैनकेक्स को मैपल सिरप के साथ डालना होगा ताकि वे और भी स्वादिष्ट हो जाए। बटर का एक टुकड़ा भी बुरा नहीं होगा। दादी, जाहिर है बुरा नहीं है, लेकिन बहुत बोरिंग है। पैनकेक्स भी रंगीन क्यों नहीं बनाते? तो उन्हें खाना ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। देखो अब मैं क्या करूंगी। और हम प्रसिद्ध कार्टून्स के चेहरे के रूप में पैनकेक्स भी बना सकते हैं। तो वे रंगीन, स्वादिष्ट और यादगार होंगे। ऐसी सुंदरता निश्चित रूप से आपके मन में लंबे समय तक रहेगी। देखो मैं कितना अच्छा कर रही हूँ, बस अब इसे पलटना ही बाकी है। हाँ, इसे पलट दिया और अब यह प्लेट में आ गया। ओह, सभी को ऐसे सुंदर पैनकेक्स मिले हैं, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, बैटर से पैनकेक्स क्यों पकाना जरूरी है? मैं बस बचे हुए चीजों के साथ बना सकता हूँ। उदाहरण के लिए कप की मदद से ब्रेड के सर्कल्स को काट ले। हाँ, इस तरह से। उन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए मुझे उन्हें व्हिप्ड क्रीम के साथ सजाना होगा इस तरह से। फिर इसे परत दर परत लगाते हैं, एक लेयर व्हिप्ड क्रीम, एक लेयर ब्रेड के टुकड़े इस तरह से। और यदि मैं थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स जोड़ता हूँ तो मेरी ब्रेड पैनकेक्स स्वादिष्ट हो जाएंगे। केट, ये मुझे विजेता बनाने का समय है। वाह, मुझे इस तरह के पैनकेक्स की उम्मीद नहीं थी। शुरुआत करते हैं जैक से। मुझे उम्मीद है कि उनके पैनकेक्स मुझे निराश नहीं करेंगे, हालांकि वे थोड़े अजीब लग रहे हैं। बुरा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। यहाँ स्प्रिंकल्स और क्रीम मुझे पसंद है। अच्छा चलो चलते हैं। ये नीले मॉन्स्टर्स कौन है? ओरिजिनल पैनकेक्स, लेकिन क्या वे स्वादिष्ट हैं? मुझे सच्ची में ये पसंद है। इस बार उन्होंने निश्चित रूप से मेरे लिए कोशिश की है। खैर, आजमाने के लिए केवल एक बच्चा है। दादी, मुझे निराश मत करना। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। खा कर देखती हूँ किसका स्वाद कैसा है। यह भव्य है, मेरे बचपन का स्वाद। दादी, आप सबसे अच्छा जानती हैं कि स्वादिष्ट पैनकेक्स कैसे बनाते हैं। तो इस दौर में जीत आपके पास जाती है। हुर्रे!
क्या आप दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं? फिर अभी मेरे लिए स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट बनाओ। यह किया जाएगा, एकदम आसान है। जब तक सब लोग बात कर रहे हैं, मैं सबसे स्मार्ट आदमी न्यूटेला का आनंद लेता हूँ। जैक, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? केट के लिए हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मुझे इस न्यूटेला की जरूरत है। मैं इस दौड़ को भी जीतना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे दूध के साथ न्यूटेला को मिलाना होगा, फिर इस मिक्सचर को आग पर रखना होगा। हाँ, इसको पहले अच्छे से मिलाया और फिर यह आग पर। अच्छी सुगंध आ रही है। मैं स्वादिष्ट कोको को खुद पीना चाहती हूँ। अरे हाँ, महक अद्भुत है। लगता है मुझे काम पर लगना चाहिए, लेकिन दूध खुलना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोलूंगा, चलो। ओह, अब मैं खुद दूध से ढका हुआ हूँ। मुझे निश्चित रूप से जीतने की जरूरत है, ताकि ये बलिदान व्यर्थ न हो। इसके लिए मैं सभी लोगों की पसंदीदा चॉकलेट का उपयोग करूंगा। मैं निश्चित रूप से उनके साथ नहीं हारूंगा। हाँ, अब देखना सब काम हो जाएगा। देखो और सीखो, हॉट चॉकलेट पुरानी बात है। आज के जमाने में चॉकलेट को अलग से परोसा जाता है, क्योंकि यह इस तरह से ज्यादा सुंदर दिखता है। हाँ, और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। मैं चॉकलेट परोसने के लिए एक बढ़िया तरीका जानती हूँ। इसे बस एक विशेष आकार में फैलाना होगा, ताकि यह एक बॉल का आकार ले ले। मैं अंदर कोको डालूंगी, ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा हो। और क्यों ना मैं इसे मार्शमेलो के साथ और सजा दूं? मैं क्रिसमस के समय में भी ऐसे ही बॉल्स बनाती हूँ। देखो, अब ऊपर से थोड़ा सजा दिया, बहुत बढ़िया। अब मैं एक ग्लास में गर्म दूध डाल सकती हूँ, और अब इसमें एक बॉल डालना काफी है, क्योंकि यह तुरंत चॉकलेट बन जाती है। मेरी पोती को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। वह घर का बना कोको और हॉट चॉकलेट को पसंद करती है। जैक, मेरे मग और मेरी कुकीज को घूरना बंद करो। तुमने खुद क्या बनाया है? ओह, अगर मैं अभी स्टोव बंद नहीं करता तो पता चलता कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। वाह, मुझे नहीं लगता था कि चॉकलेट बार से ऐसे स्टैचू बनाना संभव है। मुझे उम्मीद है कि केट को यह पसंद आएगा। जैक, तुमने क्या किया? यह सच्ची में कोको या हॉट चॉकलेट की तरह नहीं दिखता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह सिर्फ चॉकलेट का एक बस ढेर है। यह अच्छा नहीं है। चलो देखें कि मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। उसने मेरे लिए घर का बना कोको बनाया है। स्वादिष्ट कुकीज के साथ भी। यह कोशिश करना बाकी है कि बढ़िया शेफ टीना ने क्या तैयार किया है। चलो देखती हूँ, यह है क्या आखिर? बॉल की तरह लग रहा है। इसे दूध में डुबाया। ओह वाह, यह तो तुरंत में पिघल गया। वाह, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। बेशक यह बाकी की तुलना में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। वाह, और स्वादिष्ट भी। टीना, आप जीत गई हैं। ये स्पष्ट था, आखिरकार मैं यहाँ अकेली प्रोफेशनल हूँ। तो ठीक है, मुझे वॉफल चाहिए, बिल्कुल इस पिक्चर की तरह। यह किया जाएगा, मैं तैयार हूँ। विस्क, स्पैचुला जंग में कूद पड़े हैं। स्वादिष्ट। ओह, माफ करना। वह सब तो ठीक है, लेकिन अब काम में लगने का समय है। मैं एक कटोरे में आटा डालती हूँ, दो अंडे तोड़ती हूँ, और चीनी तो जरूरी है, थोड़ा दूध और मक्खन, और अब हमें यह सब मिलाने की जरूरत है। देखो और सीखो बेन। सीखने के लिए इधर कुछ है। अब मैं कटोरे में बैटर डालूंगा, यहाँ थोड़ा लाल डाई भी डालूंगा। हाँ देखो, और इन सबको अब मिला दूंगा। क्या आप स्पीड में मुझसे कंपटीशन करना चाहती हैं? खैर रुक जाओ, मेरा सारा रंगीन बैटर तैयार है। अब मैं इसे वॉफल मेकर में एक के बाद एक सारे रंगों को डालता हूँ। बहुत सुंदर। अब मेरे वॉफल को बेक करने का समय है। मुझे न्यूटेला बहुत पसंद है। क्या? हाँ, उसका वॉफल पहले से ही तैयार है। मुझे कुछ करना होगा। हाँ बिल्कुल, न्यूटेला। मैं इसमें आटा मिलाऊंगी और साथ ही साथ दूध,
और अब मैं सब कुछ मिला दूंगी। अब वफल मेकर में बैटर को डालना है और अब इसे बेक कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि चॉकलेट वफल जरूर उसे पसंद होगा। आपको यह कैसा लग रहा है? मुझे अपने वफल को सजाना चाहिए, उन्हें चॉकलेट में डुबोना चाहिए और फिर रेनबो स्प्रिंकल। कितना सुंदर है! क्या यह वास्तव में एक वफल है? यहाँ मेरे पास असली वफल है, मेपल सिरप और पाउडर चीनी के साथ। हाँ, सजावट के लिए यह स्ट्रॉबेरी। मेरा वफल तैयार है। बहुत सुंदर। ओह, वे उन्हें सजा भी रहे हैं, इसलिए मुझे भी सजाना चाहिए। ओह, स्किटल्स, मैं कैंडीज के साथ वफल को सजाऊंगी। ये बहुत अच्छा निकला। बहुत सुंदर। ओह, अफसोस, मेरे पास कुछ नहीं बचा। खैर, चलो एमा। ओह वाह, मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करें। रेनबो वफल के साथ। इसकी महक कितनी अच्छी है और कितना स्वादिष्ट है यह। यह अच्छा है बेन। अब एमा के वफल। कैंडीज और चॉकलेट के साथ में वफल, एक अलग कॉम्बिनेशन है। मुझे यह पसंद है और निश्चित रूप से दादी के वफल। इसे देखकर तो जीभ में पानी आ रहा है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है यह। ओह, मैं नहीं चुन सकती, ये सभी बहुत स्वादिष्ट है। मैं उन्हें खाना चाहती हूँ, और दादी के वफल और रेनबो और चॉकलेट। ओह, बस स्वादिष्ट, बहुत अच्छा। ओ बेटी, क्या तुम ठीक हो? और कौन जीता? पता नहीं इस बार क्या होने वाला है। लगभग हो गया, यह रहा। मुझे चिकन लेग चाहिए। आसान। रुको, मुझे यह कहाँ से मिलेगा? इसे दूर हटाओ, इसे हटाओ। तुम जो भी कहो डियर, लेकिन मैं इसे पकाने जा रही हूँ। अब मैं इसे तेल के साथ रगड़ूंगी बढ़िया से, और अब मैं इस पर मसाला छिड़कूंगी इस तरह से। अब मैं कुछ सेब काटूंगी। वाह, कितना सुगंधित है यह। मैं एक को अंदर रखूंगी और फिर मैं अपने चिकन को दूसरे टुकड़ों के साथ कवर करूंगी। अब इसे ओवन में डालने का समय है। क्या पूरे चिकन को पकाना जरूरी है? हालांकि मेरे पास एक आइडिया है। मैं मसालेदार चिप्स ले लेती हूँ और उनमें तीखा सॉस डालूंगी। अब इसे तोड़ने की जरूरत है। हाँ, यही चाहिए। चिकन लेग, यहाँ तुम जाओ, एक डुबकी के लिए तैयार हो जाओ। ब्रेडिंग अच्छी है। अब इसे बेकिंग ट्रे पर डाल देती हूँ। हाँ, इस तरह से। ऐसे कौन खाना बनाता है? देखो यह कैसा होना चाहिए। अलग अलग सीजनिंग को छिड़कें और उन्हें लेग पर रगड़ें। और अब मैं इन लेग्स को अपने ग्रिल पैन में तलने जा रहा हूँ। ध्यान यह रखना है कि यह जले नहीं। ओह, दादी ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। चिकन तैयार है, नारंगी के कुछ स्लाइस और पैरों पर एक सजावट। बस इतना ही। अपने खुद के डिश पर ध्यान दो तुम। हाँ ठीक है, मेरे चिकन अभी भी सबसे अच्छे होंगे। अपनी उंगलियों को चाट कर खाने लायक। ओ, ओ, कुछ हो रहा है। ओह, मैं आग उगल रही थी। ओ, लेकिन मैंने चिकन लेग तल लिए हैं। अब उन्हें एक ब्रांडेड बाल्टी में रखना बाकी है। एकदम अच्छे से तला हुआ, और मैं उन्हें फाउंटेन पर सर्व करूंगा। बस चीज डाला और तैयार। हाँ, चीज फाउंटेन। बेटी, मुझे आशा है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। बोन एपिटी।
वाह, सब बहुत अलग है। क्या वह चीज का फाउंटेन है? चलो उसके साथ शुरू करें। मैं इसे सॉस में डुबोऊंगी। यह अच्छा लग रहा है। ओह वाह, और अविश्वसनीय स्वाद। चिकन या लेग? मैं लेग से शुरू करूंगी। तो ठीक है, इसे खा कर देखती हूँ। एक मिनट रुको। अरे नहीं, कितना तीखा ब्रेडिंग है। मैं जल रही हूँ, मुझे तुरंत इस तीखेपन को हटाना होगा। यह काम किया, लेकिन दादी का चिकन तो मस्त है। मैं लेग को ट्राई करूंगी। वाह, क्या खुशबू है। वाह दादी, ये लाजवाब है। आप पक्का जीत रही हैं। मुझे शिष्टाचार की परवाह नहीं है। यह चिकन बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, दादी को कोई हरा नहीं सकता। धन्यवाद बच्चे। आपको क्या लगता है? मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। यह मेरे लिए आसान है। दादी इसे संभाल लेगी। आउच, मेरी बूढ़ी हड्डियाँ। हाँ, मैं भी कर सकती हूँ। मैं आलू काट लेती हूँ। अरे, क्या चाकू फंस गया है? अरे निकलो। ओह, यह मैंने नहीं, नहीं मैंने नहीं, यह दादी ने किया है। क्या? ओह डियर, दादी का ध्यान मत हटाओ। देहाती आलू से बेहतर क्या हो सकता है? मैं उन्हें एक बर्तन में डालूंगी। उन पर अब तेल डाल देती हूँ और उसके ऊपर से सीजनिंग को छिड़क दूंगी और रोजमेरी की एक टहनी ऊपर से। मैं इसे ले जाऊंगा। नहीं, मैं इसे ले जाऊंगा। शांत हो जाओ, तुम दोनों मेरी मदद करोगे। अद्भुत खुशबू है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा प्रोफेशनल खाना पकाने का उपकरण क्या करने में सक्षम है। थोड़ा घुमाया और आलू एक स्पाइरल में बदल गया। अब इसे गर्म तेल में भूनना है, इस तरह से। हाँ, और मेरा काटने का काम हो गया। अब मैं सब कुछ टोस्टर में डाल दूंगी और अब यह तैयार। हाँ, बस जरूरी बात है सब कुछ पकड़ना है। उफ, मैं थोड़ा चूक गई। मैं अब उसे इकट्ठा कर लेती हूँ। यह हुई ना बात, बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स की तरह। ओह, और लगता है यह मेरे लिए है। मेरा आलू बेक हो गया है। क्या खुशबू है। अब इस पर चीज सॉस डालना ही बाकी है। हाँ, इस तरह से बस हो गया। कितना बढ़िया। इस तरह से हमें टेबल पर आलू को सर्व करने की जरूरत है और बारबेक्यू सॉस इसके साथ सही रहेगा। आह, कितना महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छा सॉस केचप है। चलो बेटी, इन्हें ये साबित करके दिखाओ। हुरे हुरे, इतने सारे फ्राइज। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह तस्वीर की तरह है। मैं उस पर केचप डालूंगी। इससे मैकडॉनल्ड्स की तरह खुशबू आ रही है और स्वाद भी कूल। अब दादी के आलू। ओह, कितना सारा सॉस है। बुरा नहीं है, लेकिन ठीक वैसा नहीं जैसा मैं चाहती थी। वाह, यह क्या है? यह स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन पहले मैं इसे सॉस में डिप करूंगी और अब इसे खाती हूँ। वाह, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मुझे बहुत पसंद आया। ओह हाँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। वाह, मेरा मतलब है धन्यवाद। आशा है आपको आज की चुनौती पसंद आई होगी। फिर इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे और भी ऐसे ही दिलचस्प और मजेदार चुनौतियाँ हैं, हमारे साथ बने रहें।